हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बेसिक प्रॉब्लम्स रहते हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, ऐसा कौन सा रिजेक्शन का कारण होता है, ऐसा कौन सा रिजेक्शन का प्रॉब्लम होता है उसको समझेंगे। मेडिकल टेस्ट के बारे में हमारे को पता है, लेकिन रिजेक्शन किस किस चीज़ों में हम हो सकते हैं वो हम क्या करते हैं, अगर आप हमारे को पहले पता होगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला जो रिजेक्शन होता है वो बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड से होता है। अगर आपकी हाइट एंड वेट ठीक नहीं है, अगर जितना मांगा है अगर आपका नहीं है वहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाओगे। वेट कैटेगरी का वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। उस सबसे पहले जो रिजेक्शन का कारण होता है वो नॉर्मल आय के लिए होता है, यानी डिफेंस में भर्ती होने के लिए आर्मी नेवी और एयरफोर्स में आपका 6x6 दोनों आंखें होना चाहिए। लेकिन वहां पर अगर आप करेक्टेबल करवाते हैं 6x9 अगर एक आंखों में है तब भी आप फिट माना जाते हो, उससे अगर रॉस्ट आए उससे अगर ज्यादा है 6x12, 6x15, 6x18 तो वहां पर आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलता है, वहां पर से आप भर्ती नहीं हो सकते। उसके साथ आंखों में दो चीजें और दिखाई देती है, जो मायोपिया होता है, जो आपको दूर वाला चीज सही से नहीं दिखता, उसको क्या कर सकते आप कॉन्टैक्ट लेंस या फिर चश्मा पहन के आप सही करवा सकते हैं, लेकिन वो -2.5D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है क्या हम चश्मा या फिर कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं आप, आपकी आंखों को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रहे इस बात की जो मायोपिया है वो आपका -2.5D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा एक चीज़ें होता है आंखों में, किसी किसी को नज़दीक वाला चीज़ें नहीं दिखा देता जिसको बोलते हैं हम हाइपरमेटोपिया। यहाँ पर जो है आपकी चश्मा लगाओ या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाओ आपकी चॉइस है, वो ज्यादा 3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट में कैसा होता है, आपके कान अच्छा होना चाहिए, 6 मीटर पे एक आपके आर्मी ऑफिसर्स या फिर AMC का नर्सिंग असिस्टेंट खड़ा होगा, आपकी एक कान बंद किया जाएगा और आपको बोला जाएगा, कुछ ना कुछ बोला जाएगा, आपको उसको ध्यान से सुनना है और जवाब देना है। जवाब देने के लिए आपके पास 2 से 3 सेकंड होता है, आप आराम से सुनिए और फिर रिप्लाई करिए। सेम दूसरे कानों को बंद करके सेम चीजें आपको दोबारा रिपीट किया जाता है, ये 3-4 बार रिपीट किया जाता है ताकि उनको कंफर्म हो कि आपको जो आपके जो कानों में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जब भी वो डॉक्टर साहब बोलते हैं या फिर नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं ध्यान से सुनिए और आराम से जवाब दीजिए, हड़बड़ी करने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी अगर कोई सर्जरी है, सर्जरी आपका 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, अगर फ्रेश सर्जरी है आप एलिजिबल नहीं है, मेडिकली फिट नहीं माना जाएंगे, आपकी जो सर्जरी है वो 6 महीने पहले होना चाहिए। उसके बाद जो दांतों का है 14 डेंटल पन, यहाँ पर बहुत ही कम रिजेक्शन का कारण होता है। आप बहुत सारे कमेंट्स कर सकते हो कि मेरा ये दांत टूट गया, मैं कैविटी और खा गया, लेकिन इतना ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ये इजीली सॉल्व हो जाता है। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि दांतों में किसी को रिजेक्ट किया है, लगभग सारे को फिट कर देते हैं। उसके बाद जो मेडिकल रिजेक्शन का कारण होता है स्वेटी पाम, इसे किस लिए होता है, जो आप राइफल पकड़ते हो आपकी जो हैंड ग्रिप है वो फिसलता है। किसी किसी का जो लड़की हो चाहे लड़का हो उसका क्या है, ऐसे पाम आता रहता है, मतलब स्वेट आता रहता है उसकी पाम में लिखते टाइम या कैसे भी करके, ड्यू टू आपको वेपन पकड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्स्टकल करना होता है, लेकिन ये आने के पसीना आने के कारण वो आप नहीं कर पाते, इसलिए आपको यहाँ पर परमानेंटली रिजेक्शन किया जाता है। यहाँ पर जो अगर आपको स्वेटी पाम है तो आप डिफेंस में भर्ती नहीं हो सकते इसका, लेकिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप चीज़ों को सुधार सकते हो। बहुत सारे पाउडर्स आते हैं इसका और बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है, अगर आप ट्रीटमेंट करा लेते हो आपका स्वेटी पाम बंद हो जाता है तो आप बिल्कुल फिट माना जाओगे। वहाँ पर जब भी अगर आप स्वेटी पाम के साथ जाओगे मेडिकल के लिए तो आपको टेम्पररी रिजेक्शन नहीं, डायरेक्ट परमानेंट रिजेक्शन मिलता है, टेम्पररी नहीं मिलता है, परमानेंट मिलता है। उसके बाद ये पाइल्स का प्रॉब्लम आप लोग में बहुत पूछते हो, मैं बताऊँ पाइल्स में कोई भी परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, ये टेम्पररी रिजेक्शन है। अगर आपको पाइल्स है, आपने ऑपरेशन करवाया है तो वहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा ठीक होने का, थोड़ी बहुत टाइम आपको दिया जाएगा। अगर आपकी पाइल्स सही हो चुका है तो आप बिल्कुल फिट माना जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद पिक्चर को ध्यान से देखिए, दूसरा जो रिजेक्शन होता है आपका एक्सेसिव कैरिंग एंगल, जिसका हाथ बहुत ज़्यादा टेढ़ा है बाहर की तरफ, 0.5 mm के अगर ज़्यादा, यानी 12 से लेकर अगर 18 डिग्री 15 डिग्री से आपकी ज़्यादा है, अगर फीमेल है 18 डिग्री तक मानते हैं, अगर मेल है तो 15 डिग्री तक आपका चलता है, उससे अगर ज़्यादा आपके हाथ टेढ़ा है, तीसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको परमानेंट रिजेक्शन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइज है, इसको अगर आप करते हो तो ये आपके सही हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप इसको सही करना चाहते हो या नहीं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो भी दिक्कत होते हैं। उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है, एक कलर का आपका बुक आता है, वो बुक्स में एक नंबर होगा या फिर कुछ लिखा होगा, उसको आपको पढ़ना होता है, आपको नज़दीक से पढ़वाए जाएंगे, उसको आपको सिर्फ पढ़ना होता है, और अगर आप वो गलत पढ़ते हो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको भी आप सही कर सकते हो। लेकिन आप अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है ड्यूरिंग क्या बोलते हैं मेडिकल के टेस्ट के दौरान, तो आप परमानेंट रिजेक्शन का कारण आपका होगा, आप परमानेंटली रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है।
उसके बाद आता है आपकी नॉकनीज। नॉकनीज आपको पता है, नॉकनीज अगर दोनों तरफ ऐसे आपकी जो हड्डी जुड़ जाता है उसके लिए रनिंग में आपको दिक्कत आता है। तो आर्मी नेवी हो चाहे एयरफोर्स डिफेंस सेक्टर है, यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी चलता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए आपको दिक्कतें आएगा। तो ये परमानेंट रिजेक्शन का कारण होता है। हाँ, किसी किसी का नॉर्मल नॉकनीज रहता है तो उसको कंसिडर किया जाता है, उसको टाइम दिया जाता है। कुछ एक्सरसाइज ऐसे है जो आप करके आपकी नॉकनीज को बिल्कुल हटा सकते हो, उसके बाद आप फिट हो सकते हो। तो अगर नॉर्मल है तो आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा है वहीं पर आपको परमानेंट रिजेक्शन कर दिया जाएगा, फर्दर आपको अपील करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पर आता है आपकी फ्लैट फुट। ये दो टाइप का होता है, एक तो माइनर होता है एक मेजर होता है। माइनर फ्लैट फुट आप बिल्कुल सही कर सकते हैं कुछ शूज़ पहन के, उसका एक चीज़ें आता है, मैंने काफ़ी बार वीडियोज़ में बताया, कुछ एक्सरसाइज है करके आप इसको ठीक कर सकते हो। अगर मेजर है तो वहीं पर आपको परमानेंट रिजेक्शन कर दिया जाएगा, अगर माइनर है आपको टेम्पररी रिजेक्शन दिया जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा। आप कुछ एक्सरसाइज या फिर आप हमारे को कॉन्टैक्ट करके आप अपने जो फ्लैट फुट है या फिर कोई भी ऐसे मेडिकल रीजन है आप बिल्कुल उसको सही कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो हमारे चैनल में एक मेंबरशिप का जो ग्रुप है वहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर हम आपको फेस टू फेस यानी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कॉल पे आपको समझाते हैं कैसे कैसे क्या करना है, जो इसमें पॉसिबल नहीं है वीडियो में, क्योंकि सभी का अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग जगह पर रहता है, ठीक है। और उसके साथ हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम आर्मी सर ऑफिशियल है, वहाँ पर कहीं भी ढूंढोगे पब्लिक चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 900 से 1000 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ही दिन में हम इसको बंद कर देंगे, सिर्फ उन्हीं बंदों को हम पढ़ाएंगे और फिर उनको टिप्स देते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पक्का ज्वाइन कर लेना। और आपको ऐसे रिलेटेड और कुछ वीडियोस चाहिए या फिर समझ में नहीं आए नीचे कमेंट्स करना, वीडियो कैसा लगा और वीडियो को एक लाइक करके जाना, आपके लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और मेहनत करते रहिए और अपनी माँ बाप के सपने पूरे करते रहिए, हम आपके साथ हैं, बस आप हमारे साथ चले। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।